नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीए टुडे। आप सभी का आरसीए न्यूज टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है, वही जानकारी दी जाती है जो पूर्ण सत्य होता है। वीडियो को पूरा देखकर समझने का प्रयास करें, बहुत ही ऑथेंटिक जानकारी है। यूपी पुलिस भर्ती को लेकर सबसे बड़ी खबर है, लेकिन उससे पहले मैं कहूँगा कि आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यह मेरा रिक्वेस्ट है। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा पर जो मंथन हो रहा है, जो प्रक्रियाएं चल रही हैं, उसके संबंध में बात करूंगा। दोस्तों, आपकी परीक्षा दो दिन कराई जा सकती है, एक 11 तारीख को, एक 18 तारीख को, क्योंकि बीच में कोई डेट नहीं मिल पा रहा है। अब परीक्षा 11 तारीख को और 18 तारीख को होगी, इतना दिन का गैप क्यों ऐसा हो रहा है? क्या 11 तारीख को सेंटर मिल पाएगा, 18 तारीख को सेंटर मिल पाएगा? एक समस्या उत्पन्न हो रही समीक्षा अधिकारी की परीक्षा को लेकर। तो जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, देखिए 11 तारीख और 18 तारीख की परीक्षा तभी हो सकती है जब समीक्षा अधिकारी का पेपर स्थगित कर दिया जाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं दिख रहा है। तो शासन प्रशासन स्तर पर बात चल रही है कि अगर कैंडिडेट की संख्या 30 से ऊपर हो गया, 35 लाख 40 लाख पहुंच गया, तो यह परीक्षा 18 तारीख और एक दिन एक्स्ट्रा या दो दिन एक्स्ट्रा कराई जा सकती है। यानी कि परीक्षा दो से तीन दिन, चार से छह पालियों में कराई जा सकती है। अगर सेंटर की व्यवस्था होती है तो, अगर सेंटर नहीं मिल पाता फरवरी माह में, तो यह परीक्षा सीधे सीधे या तो मार्च में जाएगी या फिर चुनाव के बाद जाएगा। तो अभी कुछ भी कंफर्म नहीं हो पा रहा, क्योंकि सेंटर खाली नहीं मिल रहे हैं और एक दिन में परीक्षा करा पाना संभव नहीं है। इधर जो है, ट्रक ड्राइवरों का हड़ताल भी चल रहा है। अगर ये हड़ताल बढ़ता रहा, कहीं एक महीना जैसे किसान आंदोलन था उस तरह से हो गया, तो कहानी खत्म हो जाएगा, फिर परीक्षा चुनाव के बाद ही होगी। अगर इसका समाधान हो गया, क्या वापस ले लिया गया कानून, हिट एंड रन जो कानून है उसे वापस ले लिया गया, तो हो सकता है कि परीक्षा के संबंध में विचार विमर्श हो जाए और फरवरी टू मार्च तक आपकी परीक्षा करा ली जाए, आदर्श आचार संहिता से पहले। इतने कैंडिडेट इसमें अप्लाई करने वाले हैं कि अधिकारी कर्मचारी और शासन प्रशासन सब इसमें जो है अस्त व्यस्त है। कोई कल्पना नहीं कर पा रहा है कितना जो है, कोई अनुमान नहीं लग पा रहा है कितना आवेदन होंगे। तो लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, 30 लाख प्लस और 40 लाख के आसपास आवेदन होगा। अगर आवेदन की संख्या 50 लाख हो जाए मान लीजिए, तो रिकॉर्ड टूट जाएगा, लेकिन 30 और 40 के बीच में आवेदनों की संख्या रहने वाली है। तो परीक्षा किस कंडीशन पर होगी, कैंडिडेट की संख्या अधिक होगी तो परीक्षा दो से तीन दिन कराई जा सकती है, यानी चार से छह पालियों में कराई जा सकती है। परीक्षा में सेंटर की व्यवस्था होगी तो ही फरवरी माह में परीक्षा होगी, अन्यथा परीक्षा नहीं होगी। फिर मार्च में एक डेट खोजा जाएगा, दो डेट, नहीं तो फिर चुनाव के बाद ही होगा, और चुनाव के बाद आसानी से परीक्षा हो जाएगा, क्योंकि उससे पहले सेंटर की व्यवस्था हो जाएगी, पहले से अगर अवगत करा दिया जाएगा। तो कई सारी दिक्कतें हैं, अभी कुछ भी कंफर्म नहीं, इसलिए आप मान कर चलिए कि 18 तारीख को आपकी परीक्षा होगी। अगर 18 को नहीं होता है, कुछ डिसीजन मिलता है, तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। आम आदमी के लिए बड़ा झटका है, महंगाई बढ़ने वाली, टमाटर के दाम बढ़ने वाले, प्याज सभी सब्जियों के दाम बढ़ने वाले हैं, क्योंकि यातायात बाधित है, ड्राइवरों का हड़ताल है। तो इस महंगाई का श्रेय आप किसे देंगे, ड्राइवरों को देंगे या सरकार को देंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या ड्राइवरों के द्वारा जो किया जा रहा है वो अच्छा है या बुरा है? सरकार ने जो कानून बनाया है कितना सही है, और कानून अगर सही है आपकी नज़र में तो किस प्रकार से सही है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नए शिक्षा सेवा आयोग को लेकर बड़ी खबर है दोस्तों। नया शिक्षा सेवा चयन आयोग फरवरी माह में अस्तित्व में आ जाएगा। फरवरी के प्रथम पखवाड़े तक आपको जो अध्यक्ष और सदस्य आयोग में मिल जाएंगे, लेकिन परीक्षा कोई भी चुनाव से पहले नहीं होगी। यह भी एक बड़ी अपडेट है, बिग ब्रेकिंग न्यूज है, सब चुनाव के बाद होगा। जुलाई अगस्त तक परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। अब गैस सिलेंडर को लेकर बड़ी अपडेट बता दूं, जैसा कि आपको मालूम होगा, ट्रक ड्राइवर की बात हो रही, ट्रक ड्राइवर या कोई भी ड्राइवर हो, ऑटो चालक हो या कोई भी, तो अब सब लोग हड़ताल किए हुए हैं सरकार के इस कानून को लेकर, क्योंकि उनके भविष्य पर खतरा है। कई लोगों ने तो चाबी अभी छोड़ छाड़ के अपने घर निकल गए हैं, चक्का जाम जैसी स्थिति हो गई है। सरकार ने अगर इस पर त्वरित एक्शन नहीं लिया, त्वरित निर्णय नहीं लिया, इसे वापस नहीं लिया, तो फिर
महंगाई बढ़ने वाली है, इतनी महंगाई बढ़ेगी गैस सिलेंडर ब्लैक में भी कराए देखिए 1500-2000 रुपये या 2000-3000 रुपये तक जा सकता है। पेट्रोल डीजल बंद हो गए हैं, ब्लैक में पेट्रोल डीजल भी बिकेंगे, तो बारे बहुत बुरी स्थिति उत्पन्न होने वाली है अगर सरकार के द्वारा इस कानून को वापस नहीं लिया गया। या किसान आंदोलन से भी बड़ा कानून धरना प्रदर्शन माना जा रहा है। किसान आंदोलन में था कि एक जगह पर बैठे थे, जब जाम लगाने जाते तब जाम लगता था, यहाँ तो जिस दिन से धरना शुरू हुआ उसी दिन से जाम लगना शुरू हो गया। तो आप मानकर चलिए अगर सरकार ने इसे वापस नहीं लिया, यही सरकार जिद में है और सही सभी लोग ड्राइवर जो है बात करें आपस में, ईवीएम की वजह से सरकार दबाव नहीं आ रही है। जिस दिन ईवीएम हट गया ना, तो सरकार ना इस तरह की कानून लाएगी और ना इस तरह की दिक्कत होगी। ईवीएम की वजह से सरकार दब नहीं रही है। अगर ईवीएम ना होता तो सरकार अब घुटने टेंग देती अब तक और ड्राइवरों की बात मान लेती। तो स्थिति परिस्थिति बहुत नाजुक है। 2000-3000 रुपये सिलेंडर पहुंचने वाला अगर धरना जल्द से जल्द समाप्त नहीं हुआ। तो इसी तरह की जानकारी के लिए वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। जय जवाहर, नमस्कार।